आपने एक वीडियो देखा आपका और सब सही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्प जरूर करता है। आप कह रही हैं वहाँ पर कंप्लीट लाइफ के बारे में नहीं बातचीत की जाती, वहाँ पर स्पेसिफिक करियर के बारे में, सब्जेक्ट बारे में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर हम लोग अनजाने जाने हर चीज़ को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फिर आपने आना बंद क्यों कर दिया? संकोच। नमस्कार दोस्तों, तो बहुत दिनों बाद हमारे साथ अमन तो रेगुलर बेसिस पर रहते रहे और नंदिनी आई हैं, अनिल भी आया था लेकिन किसी काम की वजह से चला गया, उसके पिताजी का फ़ोन आया था, और साथ में हमारे कृष्णा भी बैठा हुआ है। बहुत दिनों से नंदिनी और अनिल हम लोगों के वीडियोस में नहीं आते थे, तो क्या कर रहे थे ये सवाल है। बल्कि इससे भी ज़्यादा इसी सवाल को और इंटेंस कर सकते हैं और गाढ़ा कर सकते हैं। एक आदमी को 2400 घंटे क्या करना चाहिए, एक आदमी को 2400 घंटे क्या करना चाहिए, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, डे टू डे लिविंग का पर्पस क्या है। बचपन से हम सबको पता है पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और उसके बाद नौकरी पाना चाहिए, फिर घर परिवार बना करके उसको पालना चाहिए। तब तो हम सब डिपेंडेंट हैं बाहर की दुनिया के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा, स्कूल कराएगा या किताबें करवाएंगी, नौकरी कौन देगा, कोई ना कोई नौकरी देगा तब जाके नौकरी करेंगे, और शादी होगी तब जा करके परिवार बनेगा, और उसमें भी अगर आप परिवार की देखभाल करना चाहते हैं तो आपके हाथ में तो है नहीं। कोई ऐसा काम है जिसको मैं खुद कर सकूं, जिसको करते करते मैं खुद को पा सकूं, खोज सकूं, डिस्कवर कर सकूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग ने शुरू किया था ज़ेनोगा एडवांस, ज़ेनोगा क्लासेस कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए। पहली क्लास कब की थी अटेंड हमने? हमने करी थी 2014 के दिसंबर या नवंबर में, 2014 में नवंबर में, तो 6 साल हो गए, 7 साल, 7 साल, हाँ 7-8 साल, और आप इनके बाद आई थी। आप स्कूल जाती रही हैं, स्कूल के बाद हम लोग यहाँ पर जुड़े, स्कूल में और यहाँ पर आने में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है जो स्कूल में नहीं है? स्कूल पढ़ाते थे। हाँ स्कूल में आप भी मैं नहीं, खाली एक बच्चा स्कूल जाता है और एक बच्चा डीप नॉलेज में आता है, तो डीप नॉलेज में क्यों आते हैं, ये क्यों आ रहे हैं डीप नॉलेज में बार बार, रोज़ क्लास में क्यों आ रहे हैं, जबकि इनके कोर्स की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जो जिसकी वजह से इनको डायरेक्टली फ़ायदा हो। ये सवाल वही है कि एक आदमी का पूरी लाइफ का मेन पर्पस क्या है। मुझे लगता है हम लोग जाने अनजाने 2014 में अपना मेन पर्पस खोज पाए थे, शुरुआत हो गई थी एक तरह से। अगर लाइफ जंगल है तो हम लोगों को रास्ता मिलना शुरू हो गया था। तो क्या चीज़ है जो डीप नॉलेज में है जो स्कूल्स में नहीं है, नॉर्मल स्कूल्स में नहीं है, जहाँ इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस पढ़ाया जाता है या जहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, MBBS पढ़ाया जाता है, क्या डिफरेंस है? एक तरीके से कहा जाए तो वो कन्वेंशनल टीचिंग आपको सिर्फ करियर के लिए तैयार किया जाता है, और करियर लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है जिससे हर आस्पेक्ट लाइफ में मदद मिलती है, चाहे वो करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ में मदद। वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है कि मतलब आपने एक वीडियो देखा आपका और सब सही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्प जरूर करता है, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। आप कह रही हैं वहाँ पर कंप्लीट लाइफ के बारे में नहीं बातचीत की जाती, वहाँ पर स्पेसिफिक करियर के बारे में, सब्जेक्ट बारे में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर हम लोग अनजाने जाने हर चीज़ को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फिर आपने आना बंद क्यों कर दिया? संकोच। इसका मतलब ये है हमारी लाइफ की जो ढेर सारी इम्पॉर्टेंट काम है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है संकोच, हेजिटेशन, हम्बलनेस एंड एरोगेंस के बीच में डिफरेंस पहचान सके। एक आदमी का पर्पस क्या है, रमण, हम लोग रमण महर्षि के बारे में आजकल बात कर रहे हैं, रमण ने शुरुआत के सालों में कई सालों तक, अब मुझे समझ में आ रहा है कि लाओत्से कैसे रहे होंगे, बिकॉज रमण और लाओत्से की टीचिंग ऑलमोस्ट सेम है, भाषा एकदम अलग है। रमण लोगों को मुंह से नहीं पढ़ाते थे, बोल के नहीं पढ़ाते थे,
अगर बहुत किसी को हेल्प करना ही हुआ तो एक कागज़ पर कुछ लिख दिया, जैसे उनकी माँ जब पहली बार उनको वापस ले जाने आई थी तो उन्होंने कागज़ पर कुछ लिखा था, याद है क्या लिखा था? उन्होंने कहा था जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कंडीशन में बेस्ट तरीका क्या है? शांत रहना। शांत रहना। बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं आप। रमण के बीच में और कृष्णमूर्ति के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल पर्सनालिटी का डिफरेंस नहीं है, मेरे समझे वो थोड़ा सा एवोल्यूशनरी डिफरेंस भी है। एवोल्यूशनरी डिफरेंस मतलब समझते हैं, एक पौधा जो जैसे ये बगल में पेड़ है, कौन सा पेड़ है ये? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की नॉर्मल एज कितनी होती है? करीब 1000 साल। और उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे माहौल में है। यहाँ पर तो बेचारा बहुत साल तक रह नहीं पाएगा, अब बस्ती बस गई है। अगर चीज़ें सीमेंट आसपास में ज़्यादा हो जाता है तो पौधे बढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर किसी पौधे को पूरी ज़मीन मिल सके, पूरा आसमान मिल सके, तो एक हेल्दी पौधा 1000 साल तक जी सकता है, उसके बाद वो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कृष्णमूर्ति और रमण के बीच में उस एज का भी डिफरेंस है, जिसमें कृष्णमूर्ति को जब कैंसर हुआ था, पता है कैंसर हुआ था उनको किस चीज़ का? हाँ, पेट का, पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था। और वो समझदार थे, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। रमण भी समझदार थे, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रमण ने ऑपरेशन करा लिया। रमण को इसका कैंसर था, हाथ का, ऑस्टियोसार्कोमा, बहुत तेज़ फैलने वाला हाथ का कैंसर था। लेकिन कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स थी वो साइलेंस में से निकल के आती थी और शब्दों के रूप में हमको एक्सप्रेस होती थी। बहुत बहुत बातें की हैं कृष्णमूर्ति ने। कृष्णमूर्ति जाते थे साइलेंस में और उसके बाद निकल के आते थे और लिखते थे, जो बातें की जाती थी उसको एक्सप्रेस की जाती थी। तो साइलेंस का जो भी शब्दों के रूप में जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कृष्णमूर्ति ने हमको दिया। वही चीज़ कृष्ण ने भगवद्गीता के रूप में दिया। बुद्ध ने तो हजारों, मुझे लगता है बुद्ध एक ऐसा बंदा रहा होगा जिसके पास ढेर सारे फॉलोअर्स थे, जेन्युइन फॉलोअर्स। लेकिन रमण के पास शुरुआत के दिनों में बहुत कम फॉलोअर्स आए होंगे, क्योंकि रमण की जो टीचिंग थी कैसी थी? साइलेंट टीचिंग थी, कुछ बोलते नहीं थे, केवल उनको देख करके लोग बस आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि एक बच्चा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो बच्चे ही थे वो, 16 साल की उम्र में पहाड़ों में चले गए, बस बैठे हैं आँख बंद करके, आँख खोला, किसी ने खाना दे दिया तो। और ऐसी बातें बहुत तेज़ फैलती हैं, पता है, आपके घर के पास कोई आदमी कुछ शराब पी के पड़ा हुआ है, कोई मर गया है, तो हम भी जानवरों की तरह हैं, बहुत तेज़ खबर फैलती है। अगर ऐसे ही कोई आदमी यहाँ पर बैठ करके 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे से आँख बंद करके ऐसे बैठा है तो खबर ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचेगी, तो उनकी खबर दूर दूर तक तो पहुंच गई कि एक ऐसा स्वामी है, एक ऐसा साधु है जो बस बैठा रहता है। शुरू में लोगों को ये लगता था कि ये कोई बहुत महान योगी है, एंशियंट योगी, जिसने अपनी योगा की पावर से अपने आप को यंग बना रखा है। पता है कैसे मालूम पड़ा कि वो इस ज़माने के हैं? भैया उनसे किसी ने धक्का मार के पूछा, बताइए आप कौन है, कौन है, कौन है, तब उन्होंने अपना नाम लिखा था। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में लिखा था। तब जाके लोगों को भरोसा, अच्छा ये तो हमारे स्पेस एज के हैं। बट जैसे वो कहते थे ना, लाओत्से कहा करते थे, द टीचिंग दैट कैन बी टॉट इज नॉट द रियल टीचिंग। जब आप घर पे रहती हैं, जब आप यहाँ नहीं आती हैं, या कोई भी, जब आप अपने आप को एक ऐसे काम के साथ नहीं जोड़ते हैं जिसमें आप खुद के बारे में याद कर सकें और खुद के बारे में खुद की तरफ जा सकें, उस समय आपका काम ये होना चाहिए, पूछिए फिर मैं क्या कर रही हूँ। अभी एक भाई साहब ने पूछा है, जनोगा के स्टूडेंट हैं, आप आश्रम क्यों बनवा रहे हैं, क्या ज़रूरत है आश्रम बनाने की? मैं आपसे पूछता हूँ एज अ जनोगा स्टूडेंट्स, क्या जनोगा आश्रम बनने की ज़रूरत है? है क्यों? क्योंकि जो 5 लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, लगता है कि वो और लोगों में पता चलना चाहिए। अगर आश्रम बन जाता है तो ये 5 का अगर 50 हो गया तो क्या फायदा हो जाएगा?
मुझे फ़ायदा दिखता है, मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए लोगों में, कि मतलब चेंज तो दिखता है, चेंज दिखता है। कुछ और टीम में जैसे मैंने पहली बार आना शुरू किया था और अभी मैं, आपकी लाइफ में चेंज था और वो चेंज हम लोग को दुनिया तक पहुंचा सकें इसलिए। तो क्या हम केवल वीडियोस के जरिए बता सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उससे नहीं पहुंचेगा लोगों को? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन उस चीज़ को जितना फैलाएं उसमें दिक्कत क्या है। आश्रम बना सकते हैं, वीडियोस भी हैं, जिस तरीके से लोगों को हेल्प मिल जाए। तो आपका कहना है कि अगर अगर ऑप्शन है तो बना लें, अगर वीडियोस के फॉर्म में पढ़ा सकते हैं तो वो भी पढ़ा लें, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ क्या इतना एफर्ट, इतना पैसा, इतना जद्दोजहद लगा करके, बिकॉज आश्रम का मतलब समझते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तो आप आते हैं घंटे दो घंटे के लिए, आप दो दिन के लिए रुकना चाहें रुक सकें, एक ऐसा किचन जहाँ पर अगर भूख लगे तो खाना खा सकें, एक ऐसी हॉल जहाँ पर अभी तो हम लोग बड़े एडजस्ट करके कहीं सोफ़ा रखा है, कहीं कुर्सी रख दिया, कहीं कैमरा रख दिया, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग का अच्छी सुविधा हो, बैठने की अच्छी सुविधा हो, और एक ऐसी जगह जहाँ आप रह सकें दो दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, महीना, दो महीना, छः महीना तक भी रह सकें, ऐसी जगह। फिलहाल ये वैसी जगह नहीं है, फिलहाल ये एक जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं। आप लोग आते हैं लेकिन फिर भी संकोच के मारे, किसके मारे, संकोच के मारे बहुत दिन तक नहीं रह सकते। बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसा देंगे, संकोच नहीं करेंगे, बोलेंगे मुझे ठीक करो। फाइव स्टार होटल में आप जाएंगे, पैसा देंगे, बोलेंगे मैं संकोच नहीं करती, मेरा हक है कि मैं यहाँ रहूँगी और तुम मुझे सर्व करो। और ऐसे एक आश्रम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम जाते ही इसलिए हैं कि मुझे खुद को जानना है और आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, नहीं तो मैं कहीं और जाऊँ। ये मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहता था कि क्यों आश्रम की ज़रूरत है। इसका एक और आंसर है, कोई भी जगह है, कोई भी संस्था, चाहे एक आदमी की हो, चाहे दस की, चाहे छोटी सी फैमिली हो जैसे आपकी फैमिली है, वो स्टैटिक नहीं होती है।